एक और खास सेगमेंट की बढ़ते हैं, मुनाफे का ऑप्शन अब आपके लिए लेकर आते हैं। और हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज आपकी क्या होगी? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू प्रशांत जी। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पे फोकस है और उन स्टॉक पे फोकस करना चाहिए जहां पे काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो बाजार की वॉलेटिलिटी के विपरीत यहाँ पे एनटीपीसी इस पर्टिकुलर काउंटर में लगातार हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अगर ओपन इंटरेस्ट डेटा देखें तो लगभग 8-8.5% का फ्रेश ओआई इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। उसके बाद टेक्निकल ब्रेकआउट भी यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एनटीपीसी का एट द मनी कॉल ऑप्शन 340 का जो लगभग 5.40 पैसे 5.5 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी 3.20 रुपए के स्टॉप लॉस से। एंड अपसाइड में टारगेट होंगे 9 रुपीज के। अगर हम अंडरलाइन की बात करें तो एनटीपीसी हमें यहाँ से 350 और 355 तक की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है फॉर द फेब्रुअरी सीरीज, इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन 340 का खरीद के चल सकते हैं। तो एनटीपीसी पसंद आता हुआ, नीलेश जी को बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहां पर हम आपको एक रिस्क डिस्क्लोजर बहुत बोल्ड लेटर्स में आपके सामने रखते हैं, सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर, जो कि ऑप्शन में जो आप ट्रेडिंग करते हैं उसके लिहाज से बहुत मायने रखता है। ऑप्शन की दुनिया में 10 में से 9 लोगों को यानी 90% लोगों को नुकसान होता है। जी हाँ, तो इस वजह से आपको ये सलाह दी जाती है कि जब भी आप ऑप्शन की दुनिया में ट्रेड करें तो पूरी तैयारी और सलाह के साथ करें, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये सेबी का रिस्क डिस्क्लोज़र आपके लिए।